आपसे साहब सीधा सा सवाल है, होम मिनिस्टर साहब बोलते हैं मुसलमानों को हिंदुस्तान में डरने की जरूरत नहीं है। देखिए पिछले 6 साल से उन्होंने जो कुछ किया है, लिंचिंग्स को ले लीजिए, अयोध्या को ले लीजिए, NRC को ले लीजिए, अब ये पहली बार और सबसे बड़ा हमला है हमारे संविधान पे, जो कि धर्म के आधार पे लोगों को अलग नहीं करता, और उसमें ये एक नागरिकता जो है वो धर्म के आधार पे पहली बार दे रहे हैं। उसके बाद वो ये कहें कि डरने की ज़रूरत नहीं है, तो वो तो पुराना झूठ बोलने की उन्हें आदत है, वो बोल रहे हैं। और बाकी जो मुसलमान हो, चाहे वो दलित हो, आदिवासी हो, इसका असर सब पे पड़ने वाला है। लॉजिक साहब ये है कि बराबर की जो 3 बड़ी कंट्रीज हैं, बड़ी या छोटी जो भी कह लिए उनमें, उसमें जो माइनॉरिटी स्टेटस है वो बहुत बुरे हाल में है, उनका जो परसेंटेज है वो लगातार कम हुआ है। अब वो कहते हैं कि बाकी वो लोग कहाँ गए, कि कर्मठ हो गए, निकाल दिए गए, कहाँ पर गए, तो इसीलिए हम उनका ख्याल रखते हुए ये बात कर रहे हैं, हम सिटीजनशिप देने की बात कर रहे हैं। देखिए जो परसिक्यूट हो रही है माइनॉरिटीज, उसमें रोहिंग्याज भी हैं, उसमें अहमदियाज भी हैं, उसमें और बहुत सारी, उसमें तमिल भी हैं, वो उनको क्यों नहीं दिखाई दे रही? और ये आप देने की बात कर रहे हैं नागरिकता, तो उसमें सिर्फ मुसलमान के अलावा बाकी सबको नागरिकता दे रहे हैं। और जो वो परसेंटेज कोट कर रहे हैं, वो बांग्लादेश की परसेंटेज 1947 से गिन रहे हैं। इतने जाहिल होम मिनिस्टर तो क्या कोई मंत्री इनके, मतलब जहालत तो कूट कूट के भरी है इनके अंदर, तो उनको ना फिगर्स मालूम है, ना डाटा मालूम है, ना इस मुल्क की इनको विरासत मालूम है। ये तो गुंडागर्दी करते आके बैठ गए हैं सरकार में। अब मामला सिर्फ कैब और NRC का नहीं है, मामला ये है कि अब उनको सरकार से कैसे निकाला जाए, इस पे जद्दोजहद होनी है। आखिर में क्या मैसेज देना चाहेंगे PM साहब को? देखिए मैं PM को तो मैं बात ही नहीं करती, जो भी कोई मेमोरेंडम जा रहा होता है मोदी के नाम, मैं उसे साइन भी नहीं करती। आई डोंट वॉन्ट टू रिकॉग्नाइज अ क्रिमिनल एज माई PM, he could be an elected PM, he's not my PM. ये सब बताइए, इतना आक्रोश, इतना क्यों है, इतनी आग क्यों है? मैंने 2002 में जो जिस तरह से गैंग रेप्स हुए हैं, मैंने उन सर्वाइवर्स के किस्से डॉक्यूमेंट किए हैं, मैंने 2 लाख से लोग जो ज्यादा बेघर हुए उनकी कॉलोनीज में काम किया है, मैंने नफरत देखी है जो इन्होंने फैलाई है और जो गुजरात से शुरू होकर आज पूरे हिंदुस्तान में फैली है। आई डोंट वॉन्ट टू रिकॉग्नाइज देम एज प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर, दे आर क्रिमिनल्स एंड दे हैव टू बी डिफीटेड सूनर और लेटर। अमित शाह कहते हैं कि मुसलमानों को डरने की जरूरत नहीं है, हमने नागरिकता देने की बात करी है, नागरिकता लेने की बात नहीं करी। मेरे ख्याल में हर हिंदुस्तानी को डरने की ज़रूरत है, क्योंकि NRC और CAB इन दोनों हथियारों से ये हमारे देश को एक फासीवादी जर्मनी बना रहे हैं, और इसमें सिर्फ मुसलमानों को खतरा नहीं है लेकिन हिंदुओं को और हर हिंदुस्तानी को खतरा है कि हम एक जालिम देश बनने वाले हैं जिसमें बच्चों को और औरतों को और लोगों, हमारे सह नागरिकों को कैंपों में रखा जाएगा, फिर कहा जाएगा कि इनको टैक्स पेयर के पैसे से खाना क्यों दिया जा रहा है। तो मेरे ख्याल में हर नागरिक को डरने की जरूरत है। देखिए ये सारी बातें अभी और लोगों से भी बात कर रही हैं, आप भी ये बात कर रही हैं, जो सत्ता पक्ष बोलता है कि ये सारी भ्रांतियां हैं, मिस परसेप्शन हैं जो फैलाए जा रहे हैं, ये उनका बोलना है, उसके ऊपर क्या कहना है आपका? ये मिस परसेप्शन इसीलिए नहीं हो सकता है क्योंकि अगर NRC नहीं होता और पहले CAB आया होता तो हम इस बात को मान सकते थे, लेकिन जब NRC में ये पाया गया कि ज़्यादा हिंदू लोग हैं जिनके पास अपने रेजिडेंस के सबूत नहीं हैं, तब उनको कवर करने के लिए CAB लाया गया। इस देश में जहाँ प्रधानमंत्री अपने डिग्री का सर्टिफिकेट नहीं ला सकता है, वहाँ आप गरीब बेरोजगार लोगों को कह रहे हैं कि आप सर्टिफिकेट दीजिए कि आप हिंदुस्तान में रहने वाले हैं, तो ये इसको लाने का टाइमिंग NRC के फेलियर के बाद है। ये लोग कहते थे मुसलमान बांग्लादेश से आ रहे हैं, लेकिन NRC इस बात का सबूत है कि मुसलमानों की संख्या बहुत कम है, तो CAB का लाने का मतलब ये है कि जो मुसलमान एक सर्टिफिकेट नहीं दिखा पाएगा वो हिंदुस्तानी नहीं कहलाएगा। यानी जो NRC फेलियर है उसको फुलफिल करने के लिए जी